नाम दोस्तों जय बोलेगी। तो भाई आज दूसरा दिन है जब चलती स्कूटी से वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। तो भाई अभी अभी वैष्णो को छोड़ के आ गया हूँ स्कूल, और अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने। हम यहाँ पर ना खुला दूध लेते हैं, थोड़ा क्वालिटी महंगा जरूर है लेकिन क्वालिटी अच्छी होने की वजह से ना खुला दूध ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पर फेमस है शॉप जहाँ से अभी लेने जा रहा हूँ, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी दिखाई थी। ध्यान दें, जिन यात्रियों को बद्रीनाथ या केदारनाथ जाना है काउंटर से आकर टिकट प्राप्त करें तो सच्चे उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। तो भाई अब स्ट्रिकनेस हो गई है ज़्यादा, चेकिंग चल रही है प्रॉपर, तो बिना रजिस्ट्रेशन के जाना मुश्किल है, तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चाहिए। पहले आए थोड़ा सा एक आध दिन पहले और रजिस्ट्रेशन करा के तभी आगे बढ़े। तो भाई ये मैंने पहले भी आपको ये जगह दिखाई थी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो टोकन मिलता है ना दोपहर को 12 बजे, और रात का जो टाइम था वो अब 7 बजे का कर दिया गया है। दो टाइम मिलते हैं कूपन। तो आज यार एक बार आके देखूँगा भी और आपको भी दिखा दूँगा कि क्या सिस्टम रहता है, कितनी भीड़ होती है। तो भाई अभी तो ना लेट हो रहा था, मैं वापस जा रहा हूँ, और अभी इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। रास्ते में भी चेकिंग हो रही है, और बिना रजिस्ट्रेशन के लिए बस में तो नहीं बिठा रहे, अगर आप बैठ भी गए तो आपको रास्ते में दिक्कत आ सकती है। तो कि अभी भाई रजिस्ट्रेशन रोक रखे हैं, जिनका हो रखा है उनकी चेकिंग चल रही है प्रॉपर। बाकी आपको मैं दोबारा आऊँगा फिर लेटेस्ट अपडेट देता हूँ अच्छे से बात करके। तो भाई आज तो कड़ी बन रही है, तो फिर तो भाई आज तो फिर चावल बनते ही हैं, आज बोलूँगा चावल बनाने के लिए साथ में। कड़ी के साथ तो यार चावल का ही मज़ा है, क्यों एक बार ही बताओ कमेंट करके आपको कड़ी चावल कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी ने मेरी प्रयोगी नारायण की वीडियो देखी है पिछले साल जब मैं केदारनाथ गया था, तो सेम यही बोतल जो कि मेरे पास एक ही है बोतल, क्योंकि ये हमारे घर की नहीं है, ये मैं अपने वाइफ के ना मायके से लेके गया था। तो ये इस बोतल में मैं जल लेके आया था और अभी तक एज इट इज़ ये पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे एक ही बारी पड़ी थी थोड़ी सी। और ये है केदारनाथ जी का जल, जिसने भी वीडियो देखी है सेम यही की यही मैं बोतल लेके गया था, और एज इट इज़ अभी भी पड़ी है, ये भी बिल्कुल थोड़ी सी यूज़ हुई है। तो भाई ये जिन भाई का विक्की भाई का बिहार से कॉल आया था, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लेना ताकि उनको क्लियर हो जाए। तो मैं उनके लिए भाई ये दोनों जल ये रेडी कर रहा हूँ, और इसके बाद फिर मैं इसको कोरियर कर दूँगा यहाँ से। तो विक्की भाई अगर आप वीडियो देख लो तो भाई ये तो मैं आपने जैसा कि कहा था कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन चाय लेकिन ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही दे पाऊँगा बिकॉज मेरे पास पहले ही क्वान्टिटी इसकी बहुत कम है। तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और भाई जिन्हें भी लगता है कि भगवान अपने आप रास्ता दिखाता है, भगवान है धरती पे, तो उनको वो लोग अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय गंगे मैया की, हर हर महादेव। तो भाई इस जल की एक एक बूंद बड़ी कीमती है, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। गंगा जल आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो त्रियोगी नारायण का दिव्य जल है इसके लिए तो भाई देखो स्पेशल जाना पड़ता है, केदारनाथ से सोनप्रयाग से भी ऊपर जाके है। और भाई इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं ये वाली वो त्रियोगी नारायण की वीडियो भी ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स मैं ना ये अभी इनको अच्छे से रैप कर रहा हूँ ताकि ये सेफली वहाँ पर डिलीवर हो जाए। बस हो गई लगातार जो कर रही हूँ। तो भाई ये बबल रैप कर रहा हूँ, फिर इस बॉक्स में आ जाएगी ये। तो भाई अच्छे से ना ये बबल रैप हो गया है, अब इसको इस बॉक्स में डाल रहा हूँ। बिल्कुल मैंने चेक कर लिया था, एकदम परफेक्ट आ गया था। इसको भी यहाँ से सील पैक कर देते हैं। इसमें ना बॉक्स में मेरा आईफोन का चार्जर आया था, तो शायद हो सकता है ये इसीलिए बचा रहा, नहीं तो मैं फेंक देता हूँ। तो इसमें ये भाई के लिए जल जाना था यहाँ से बिहार, तो इसमें क्या है ना बड़ा सेफली चले जाते हैं, कोई भी चीज़ है इसमें आराम से पहुंच जाएगी। वाने आप कुछ कहना चाहोगे? चैनल पे
क्या बात है। तो भाई ये त्रिवेणी के गेट पर किसी ने यहाँ बताया, यहाँ घुसते ही है, देखते हैं अभी कहाँ है। तो ये थोड़ा सा पीछे है, 100 मीटर पीछे है त्रिवेणी का गेट, और अंदर आते ही है पोस्ट ऑफिस। चलिए अंदर चलते हैं और कोरियर करवाता हूँ यहाँ से बिहार के लिए। तो भाई यहाँ अंदर तो मना कर दिया स्पीड पोस्ट के लिए। एक तो ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इस पर फ्लिपकार्ट की ऐड हो रखी है, बॉक्स फ्लिपकार्ट का है। तो कोई नहीं, वो तो उस पर उसका तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं जाके इस पर टेप वगैरह लगा देता। बट अब वो ये कह रहे हैं इसके अंदर जल है, तो वो देहरादून से रिटर्न आ जाएगा, किसी भी तरह की जल वाली आइटम यहाँ से नहीं जाती। तो अब इसको प्राइवेट कोरियर करना पड़ेगा, तो जाके दूसरी जगह पता करता हूँ। तो भाई अभी तिलक रोड पर आया हूँ, ट्रैक ऑन के ऑफिस, यहाँ पर बात करी है। तो इनकी भी वहाँ की सर्विस नहीं है बिहार में, जो जगह जो एड्रेस है। तो अब देखते हैं कहीं और पता करते हैं। अब शायद बस अड्डे के वहाँ पर बताया किसी ने, GTDC का है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली कढ़ी चावल मिल गया मेरे को, क्योंकि भाई बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब होने के कारण चावल कम ही बन रहे हैं हमारे घर में। तो आज भाई मैंने कढ़ी बने तो मैंने डिमांड करी चावल बनाओ। तो भाई जिन जिनको ये कढ़ी चावल पसंद है एक बार ही कमेंट करके बताना। बहुत बढ़िया बने। तो भाई कड़कती धूप में स्पेशल GTDC कोरियर ऑफिस पहुंचा, कि उम्मीद थी यहाँ से काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ से भी सर्विस भी नहीं है। और कह रहे अगर होती भी ना तो भी हम जल नहीं भेजते, क्योंकि तो उसमें थोड़ा इशू आ जाता होगा, इसलिए नहीं भेजते सर। तो यहाँ पर भी काम नहीं बना। तो भाई आप सभी को ना अपडेट देने के लिए मैं यहाँ यात्रा पंजीकरण कार्यालय आया हुआ हूँ, बस अड्डे के पास है। तो भाई अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि यात्रा अभी चारों धामों में से कहीं पे भी जाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, यात्रा रोक दी गई है एक दो दिन के लिए। आज 18 तारीख है, 19 तक तो कन्फर्म है, हो सकता है 20 को खुले। तो अभी एक दो दिन यात्रा बंद रहेगी। और भाई इसके लिए अभी ना ही कोई कूपन मिल रहा है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जिनका पहले से हो रखा है केवल उन्हीं को भेज रहे हैं, और रास्ते में भी चेकिंग हो रही है, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी। इस वजह से अभी प्रशासन को ये निर्णय लेना पड़ा। तो भाई आने से पहले एक बार ही कन्फर्म कर लेना, ये ना हो आपको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़े। हर हर महादेव। तो भाई पहले के मुकाबले अब यहाँ पर बहुत सारी बसें भी नज़र आ रही है, और बहुत सारे यात्री हैं जो कि प्रतीक्षा में हैं यात्रा खुलने का। तब तक सब लोग यहीं विश्राम कर रहे हैं। तो सुविधाएं तो पूरी हैं भाई यहाँ पर, बाकी यार देखिए जिनको थोड़ा अर्जेंट होगा उनका थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक आध दिन भी बहुत मायने रखता है। देख सकते हो भाई काफ़ी सुविधाएं दे रखी है, टेंट भी लगे हुए हैं, और ये ऊपर कमरे भी हैं। तो वहाँ पर आप अपना नॉर्मल सा चार्ज देख के अपना वहाँ पर भी रुक सकते हैं। देखिए यहाँ नहाने की सुविधाएं, पानी की, ठंडे पानी की सारी सुविधाएं हैं। ये देखिए वहाँ बद्रीनाथ जी का लाइव चल रहा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर ना खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, काफ़ी सस्ता है। गुलाब जामुन 10 रुपये, दही बल्ले। तो यार यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये में आपको गुलाब जामुन मिल जाएगा, दही बल्ले है, आलू चिप्स हैं ओनली 5 रुपीज़, चाय है, काफ़ी सारी वैरायटी हैं, और रीजनेबल चाय कॉफ़ी ये मैडम मिलेंगे आपको, चाय कॉफ़ी बिस्कुट ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी 10 रुपये में चाय। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और भाई ये देखो ये यहाँ पोहा है, सांभर बड़ा। देखो यार बहुत नॉर्मल से चार्जेस पे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, और ब्रेड पकौड़े वगैरह काफ़ी वैरायटी है। कहाँ है वो? अच्छा तो आप ही बता दीजिए और क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? आम पन्ना है। आम पन्ना और नींबू शिकंजी है। अच्छा जी, ब्रांच भी है। चलिए वो तो बहुत बढ़िया। कितने के हैं ये? 20-20 रुपये में। चलो यार बहुत बढ़िया। तो यार गर्मी का टाइम है तो आप यहाँ आते हो ना, तो ये जलजीरा वगैरह, ये ब्रांच का, ये सब भी ट्राई कर सकते हो। घर का बना हुआ? बहुत बढ़िया जी। तो यार मैं अभी तो यार मैं ना पेट भी भरा हुआ है, और मैम से अभी गुलाब जामुन ट्राई कर रहा हूँ मैं, बाकी आऊँगा मैं फैमिली के साथ, फिर यहाँ पर और भी चीज़ें ट्राई करेंगे। हाँ अभी क्या है ना, अभी जस्ट अभी अभी घर से ना लंच करके आ रहा हूँ, तो फिर आऊँगा मैं। हाँ
फिर आएंगे बिल्कुल, शाम को ही आ जाऊंगा मैं, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। दे दो आप मुझे अभी गुलाब जामुन खिला दो। तो भाई गुलाब जामुन मैंने खाया भाई, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि भाई तो घर की चीज़ होती है ना, क्योंकि एकदम प्योर है ये, तो भाई मज़ा आ गया खा गया। तो आप भी आ जाइए सब लोग, और यहाँ पर से यात्रा करने से पहले खा के जाइए। तो यार अभी ना फिर फाइनली मैं ट्रैकोन के ऑफिस में आ गया हूँ जो तिलक रोड पे है, क्योंकि और कहीं से भी ये कोरियर नहीं जा पा रहा, तो यहाँ से एक हफ्ते वाला जो सिस्टम है ना उसके थ्रू जाएगा, बट ये एटलीस्ट ये पहुँच जाएगा, मुझे इस बात की तसल्ली है। तो भाई वो जो भाई है ना विक्की बिहार से, उनसे मैंने बात कर ली थी, वो कहते हैं भैया कोई नहीं अब जो भी ऑप्शन है भेज दो बस। तो यार यहाँ से अब फिलहाल कोरियर करा रहा हूँ। तो भाई अभी त्रिवेणी वाली मार्केट में है और यहाँ पर अभी टिक्की खाएँगे, ये देखो भाई। दे रहा हूँ बाबू गरम है ना, ले पहले ये खा ले। कैसी लगी वाले? सही है, बढ़िया, वैष्णो ने पास कर दी। इतनी टिक्की टेस्टी थी ना, उससे ज़्यादा कहीं गुना अच्छा उसका पानी था। और अब आया यहाँ पर जानू डोसा पॉइंट, तो यहाँ मसाला डोसा खा रहे हैं, लगता है डिनर की छुट्टी हो जाएगी। तो भाई अभी हमारे घर में क्या बन रहा है मैडम? पैनकेक बना रही हूँ, बनाना पैनकेक। बनाना पैनकेक, अच्छा वेरी गुड, एक बन भी चुका है। तो भाई वैष्णो को ये बहुत पसंद है, खाओगे आप? चलो भाई सही है। टाइम हो रहा है रात के 11:15 और त्रिवेणी घाट पे पहुंचा हुआ हूँ वीडियो एंड करने और एडिट करने। और भाई आज देखिए गंगा जी का भाव कितना तेज है। 5 बजे की शाम को 5 बजे बैठना है ना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर कोई भी कमी है आपको लगता है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो भी कमेंट करके बताना, ताकि भाई मुझे भी एटलीस्ट पता चले कि वीडियो किस तरह की बन रही है, क्योंकि देखो मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ बट देखने वाला ही बता सकता है कि उसमें कोई कमी है। तो भाई आज मुझे ना सही में बड़ी तसल्ली हुई जब वो मैंने कोरियर कर दिया ना, क्योंकि देखिए कहीं बात बन नहीं रही थी, तो फाइनली शाम को जाके जब वो कोरियर हो गया ना तो टेंशन फ्री हो गया मैं। अब जो भी टाइम लगना है रास्ते में वो लगेगा, लेकिन भाई के पास फाइनली वो कोरियर पहुँच जाएगा। तो चलिए भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। जय गंगे मैया की, हर हर महादेव। ओके।